तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग फिर स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ये फोन में कुछ इस तरह से मैसेज शो कर रहा है अकाउंट एक्शन रिक्वायर्ड का, या फिर आप जा रहे हो अपने फोन में जीमेल ऐप को ओपन कर रहे हो, आप जा रहे हो आप एक ईमेल से दूसरे ईमेल को लॉग इन करने, तो फिर आपके जीमेल में इस तरह से लिखा हुआ शो कर रहा है, आप स्क्रीन में देख पा रहे हो अकाउंट एक्शन रिक्वायर्ड लिखा हुआ शो कर रहा है, या फिर आप जा रहे हो अपने यूट्यूब को ओपन करने, फिर उस ईमेल पे कुछ इस तरह का ईमेल शो कर रहा है, कुछ इस तरह आपका सिंबल शो कर जा रहा है, आप लिखा हुआ है Could not sign in. Try removing and re-adding your account on this device. इस तरह से लिखा हुआ शो कर रहा है। फिर आप जा रहे हो अपने यूट्यूब ऐप में एक ईमेल से दूसरा ईमेल अपने यूट्यूब में लॉग इन करने, फिर वहां पे आपका कुछ इस तरह साइनिंग लेकर के शो कर रहा है। कुल मिलाकर के आपके जीमेल में अकाउंट एक्शन रिक्वायर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है और आप उस काफी परेशान हो, परेशान भी होना भी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुका है और मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम है आने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आने का चार कारण हो सकता है। इन चार कारणों की वजह से आपके फोन में अकाउंट एक्शन रिक्वायर्ड का मैसेज आ सकता है, आपके जीमेल में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको चारों कारण को बताऊंगा और चारों को मैं एक्सप्लेन आपके सामने करने वाला हूँ और आप इसे कैसे ठीक करोगे मैं आपको भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपने चैनल बनाए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बगल बेल आइकन पे क्लिक कर साथ में और भी शेयर करो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे हमेशा इस तरह वीडियो मिलती रहेगी और आपका हमेशा हेल्प होगा और आप कुछ ना कुछ ना सीखते रहिएगा। तो अपने चलिए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। हम सब लोग समझ लेते हैं कि इसका आने का चार कारण क्या है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है कि जो अकाउंट एक्शन रिक्वायर्ड का प्रोग्राम है इसके पीछे चार कारण हो सकता है, चार कारणों की वजह से आपके फोन में ऐसा मैसेज आ सकता है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है जिसको वजह से आपके फोन में ऐसा मैसेज आ सकता है। पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर आपके चैनल को किसी हैकर द्वारा हैक कर लिया गया होगा तो फिर आपके चैनल पे आपके फोन में इस तरह का मैसेज आ सकता है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल होगा जिस आप वीडियो देख रहे हो, सपोज ऐसा हो ना, लेकिन किसी हैकर ने अगर मेरे चैनल को हैक कर लेता है तो फिर मेरे फोन में इस तरह का मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला कारण ये हो सकता है। अगर ऐसा हो गया है तो फिर आप इसको कैसे सोल्व करोगे, पहले आप इसको भी समझ लो। साथ ही साथ जैसे कि आप ट्विटर पे यूट्यूब सपोर्ट टीम है, आप उसको मेल करके, आप उसको मैसेज करके आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा चैनल हैक हो चुका है, कृपया करके मेरे चैनल को रिकवर करने का प्रयास करें। और आपको नहीं मालूम है कि कैसे रिकवर चैनल को किया जाता है तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां देख लेना। इसके अलावा यूट्यूब और बहुत सारा वीडियो पड़ा होगा, केवल मेरा ही नहीं, और सब वीडियो को देख करके आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ये था पहला कारण। दूसरा कारण नहीं हो सकता है कि अगर आपने अपने चैनल पे कोई गड़बड़ी की होगी, कोई भी गलती की होगी और आपके चैनल को यूट्यूब टर्मिनेट कर दिया होगा, डिलीट कर दिया होगा, तो फिर आपके फोन में भी इस तरह का मैसेज आ सकता है। अगर आपने कोई गलती नहीं किया है उसका बावजूद भी अगर आपका चैनल यूट्यूब टर्मिनेट कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तो फिर भी आप यूट्यूब को फिर मेल कर सकते हो, आप यूट्यूब को फिर टैग करके आप उससे पूछ सकते हो कि भाई कि हमने अपने चैनल पे कोई भी गलती नहीं किया है, बावजूद भी आपने हमारे चैनल को क्यों टर्मिनेट किया है। ये हो गया दूसरा कारण। आप दो कारण समझ गए, दोनों का आप सोल्यूशन समझ गए, आप समझे तीसरा कारण क्या हो सकता है आपके फोन में ऐसा मैसेज आने में। अगर तीनों प्रॉब्लम अगर आपके फोन में नहीं रहता तो फिर चौथा प्रॉब्लम 100% आपके फोन में होगा। देखिए, तीसरा सबसे मेन कारण हो सकता है कि अगर आपका जो ईमेल से चैनल है वो तो चैनल आपके फोन में लॉगिंग है, इसके अलावा यही ईमेल आप किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को या फिर किसी को भी अपना ईमेल दिए हो, पासवर्ड देकर तो उसका फोन में लॉगिन कर दिए हो और बाद में वो बंदा ने क्या किया है, आपके जो ईमेल का पासवर्ड चेंज कर दिया, क्योंकि उसको तो पासवर्ड मालूम है और आपका जो चैनल वाला ईमेल है उसका पासवर्ड चेंज कर दिया, तो फिर इस स्थिति में आपके फोन में बार बार इस तरह का मैसेज आएगा और आप जब जीमेल जिस बार जो आप जीमेल ऐप ओपन करोगे उतना बार इस तरह का प्रॉब्लम आपके फोन में शो करना स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ। मेरे फोन को किसी फ्रेंड ने लिया कि हमको बस फोन देखना है, उन्होंने हमारे जीमेल ऐप को ओपन किया, जीमेल ऐप को ओपन किया, पासवर्ड वहां से खुद ब खुद पता कर लिया, उसके बाद से अपने में लॉगिन कर लिया और कितना नाइट में वो पासवर्ड चेंज कर दिया। नाइट में हमारे पास मैसेज आना स्टार्ट हो गया था। इस प्रॉब्लम को लेकर हम बहुत परेशान हुए, रिसर्च किए, देखे, गूगल से पूछे, हमको ये सब वहां से जानकारी मिला। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जैसे समस्या है तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है हम उससे बोले कि भाई मेरा और भाई मेरा जो ईमेल का पासवर्ड तो चेंज तो कर दिया, अब उसमें झगड़ा करेंगे तो बोल देंगे नहीं देंगे, अच्छा से बात करके हम उसे ले सकते हैं, अगर फिर भी नहीं मानता है तो भाई सुने होंगे कि लात का देवता बात से नहीं मान। तो फ्रेंड्स, ये था तीसरा कारण, ये अगर आपके जीमेल का कोई भी पासवर्ड चेंज कर देगा तो फिर आपके फोन में इस तरह का मैसेज शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपका जो ईमेल आप ही किसी अदर फोन में आप लॉगिन कर रखे हो
और उसका अगर आप उसमें पासवर्ड चेंज कर दोगे तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। पासवर्ड में कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो ये ईमेल दो फोन में लॉग इन है तो जिसका चेंज किया उसमें ठीक रहेगा, इसके अलावा किसी फोन में लॉगिन तो उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चौथा कारण ये होने वाला है, अगर आप ईमेल जस्ट नया क्रिएट किए हो और उसके बाद ही अगर आपका जीमेल वैसे शो करना स्टार्ट हो गया तो फिर इसका कारण है कि आप अपने जीमेल को सही तरीका से नहीं बनाए हो, इसलिए आपके जीमेल में अकाउंट एक्सेस रिक्वायर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है। ये भी घटना मेरे साथ हो चुका है, हम अपना नया जीमेल बनाए, हुआ कि आप जान समझो कि हम अपना नया जीमेल हम बनाए, जीमेल बना लिए, जब हम जीमेल बना कर गए अपने जीमेल ऐप को लॉग इन करने तो भाई यहाँ पे अकाउंट एक्सेस रिक्वायर्ड लिख करके शो कर रहा है और यहाँ पे कुछ सिंबल बना हुआ, आखिर प्रॉब्लम क्यों हुआ? तो फिर मैंने देखा कि हम इस ईमेल को जस्ट बनाए हैं और हम इसको सही तरीका से हम नहीं बनाए। तो फ्रेंड्स इन चार कारणों से आपके फोन में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपके फोन में ऐसा मैसेज शो कर रहा है और किसी ने पासवर्ड चेंज कर रखा है, तो इस ऐसे में क्या करोगे? सबसे पहले आपका जो पासवर्ड, जिस बंदा ने आपका पासवर्ड चेंज किया है उससे पहले आप पासवर्ड पता कर लेना, उसके बाद से आप अपने फोन से ये जो ईमेल है इसको रिमूव करना, फिर पासवर्ड से पता है दोबारा आप लॉगिन कर लेना, आपके फोन में ठीक हो जाएगा। उसके जस्ट उसी समय आप उस जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड तुरंत चेंज कर देना है, तो फिर वो लॉगिन कर लेगा, फिर छेड़छाड़ कर देगा। आप अपना पासवर्ड बना देना और आइंदा से ध्यान रखना कि आप अपना जीमेल के पासवर्ड किसी को भी मत बताना। इसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ होता मैंने उसमें आपका कारण भी समझाया था और मैंने उसमें बताया था कि इसको सोल्व कैसे करना है, तो मैंने उसमें बताया था जिसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि पासवर्ड पता करना, फिर जीमेल को रिमूव करना, फिर पासवर्ड के जरिए आप अपने जीमेल को लॉगिन कर लेना। तो कुछ लोगों ने वीडियो मंगा करके कमेंट कर रहा है कि आपने चैनल डिलीट करा दिया, ईमेल डिलीट करा दिया, सही नहीं हुआ। भाई हम वीडियो में समझा क्या रहे हैं, आपको बता क्या रहे हैं, पर आप उसको ध्यान समझ लो, उसके बाद आकर भाई मेरा कमेंट करना। अगर आपके पास कोई अदर प्रॉब्लम है वो जो हम वीडियो में नहीं बता पाए हैं, अगर आपका आप अपने सोल्व नहीं कर पा रहे हो, आप कमेंट करो भाई, या फिर हम बोलते हैं, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आपके पास इसके अलावा कुछ अदर प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया रहता है, लिंक पे क्लिक करके वहां से फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली कि इस प्रॉब्लम में कैसे सोल्व होगा, कितने लोगों को सोल्व हम मैंने कर चुका है ऐसा प्रॉब्लम को, तो फिर आप ही पूछ सकते हो। कमेंट करने से पहले वीडियो को अच्छा से देखना, समझना, उसके बाद से कमेंट करना, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि जो प्रॉब्लम का कारण मैं आपको समझा दिया हूँ, कैसे ठीक हो अभी मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको सीखना है कि जीमेल ऐप से अपने जीमेल कैसे रिमूव किया जाता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करना और वीडियो को देखना। मैं उसमें आपको काफी डिटेल में समझा रखा है कि अपने जीमेल ऐप से जीमेल को कैसे डिलीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला तो वीडियो को दबा कर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिए जिनके पास ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर चलिए इस वीडियो का देखा था, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप अपना ख्याल रखिए।